हाँ भैया, लहसुन कैसे दिया? दिया। अच्छा जी। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम निकल रहे हैं यहाँ से, और अभी निकल रहे हैं संगम की तरफ, और प्रयागराज में ही आज लोकल चलेंगे और वहाँ की जो जो जगह है उनको एक्सप्लोर करके आएंगे। गंगा यमुना का संगम है वहाँ पे। महाकुंभ लगता है इधर, कुंभ नहीं महाकुंभ, 12 साल में एक बार। अभी इतनी भीड़ है यहाँ, बिना मेले के ही मेला सा लगा हुआ है। मेले में तो पता नहीं क्या होता। तो संगम पे पहुँच गए, उधर है गंगा यमुना का संगम, उस तरफ दूसरी तरफ। हाँ ठीक है, समझ गया। की तरफ चलते हैं हम, थोड़ा पैदल पैदल देख के आते हैं क्या है, उसके बाद नाव में यात्रा करेंगे यहाँ की आरंभ अपनी। देखिए कितनी सारी नाव है, दुनिया भर की नाव। जितने भी आपको पोल दिख रहे हैं बिजली के यहाँ पे, ये वाले वगैरह, हाँ यही वाले, हाँ ये सब सिर्फ मेले के टाइम पे लगते हैं, उसके बाद उखड़ जाते हैं। अच्छा, हर साल ये एक्टिविटी होती है, हर बार ये एक्टिविटी होती है जब भी मेला होता है। लगते हैं और उखड़ते हैं, लगते और उखड़ते हैं। अच्छा, अदरवाइज ये ग्राउंड पूरा क्लीन रहता है। अच्छा, लेवल पानी का ऊपर नीचे हो जाता होगा, उसी हिसाब से पोल शिफ्ट कर दिए जाते हैं। लेटे हनुमान जी तक पहुंच जाता कई बार। अच्छा, और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आ रखे हैं, बसें भर के आ रखी है। देखिए बसें, वैन, टैक्सी, ये देखिए हर जगह के लोग दिख रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उनके पहनावे से पता चल रहा है, उनकी वेशभूषा से पता चल रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हैं प्रयागराज का किला, ये देखिए प्रयागराज फोर्ट है ये, इसके अंदर भी चलते हैं हम। क्या है भाई ये? ये संजीवनी बेल है सर, इसको पानी में डुबा देंगे ऐसे हरा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सूखता नहीं है ये? सूखता नहीं सर, सालों साल रहता है। सही है, पानी में 3 साल रहेगा, मिट्टी में गमले में हमेशा बना रहेगा। कहाँ से आता है ये? हरिद्वार से। अच्छा जी, सही है। और ये क्या है दोस्त? सर ये कंदमूल फल है, जो भगवान राम जी ने 14 वर्ष वन में खाए थे, वो फल है, खाया जाता है, मीठा फल होता है। अच्छा, 10 रुपए, 10 रुपए का एक पीस, 20 रुपए का 3 पीस। खिलाओ तो जरा एक पीस। कंदमूल मैं आपको बता दूं, मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूं, मैंने हमेशा वीडियो में देखा ही है, बट आज असली में देखा और असली में उसको मैं टेस्ट कर रहा हूं, मैं कंदमूल को। मीठा मीठा सा थोड़ा, इस तरीके का है ये। कहाँ से आता है भाई ये? ये चित्रकूट से आता है। चित्रकूट से आता है, जमीन में होता है या फिर पेड़ पे लगता है? ये जमीन के अंदर होता है, जैसे मूली गाजर होता है। जैसे मूली गाजर क्या होता है? है जाता है, भगवान राम जी ने 14 वर्ष वन में खाया था इसको। क्या नाम है? कंदमूल, जो गीता रामायण भागवत शास्त्र वेद में लिखा है वही फल है कंदमूल। फल खाए तो फाइनली आज हो गया टेस्ट कंदमूल। चलिए इनके पैसे देते हैं। ठीक है सुमन, क्या है भैया ये? जानकारी बताती। ये तोता, ये चिड़िया तो जानकारी बताती है। श्यामा पक्षी। श्यामा पक्षी है ये? किस तरीके से बताता है जानकारी? नाम बताने से पत्र निकालता, जैसे आपका समय टाइम के तो उसके बारे में आपको बताएगा। अच्छा, चिट्ठी उठाएगा मतलब यहाँ से? कार्ड निकालेगा बाहर आके, कार्ड। अच्छा, कार्ड निकालेगा बाहर, निकालेगा उस कार्ड पे लिखा होगा जो लिखा होगा ना। ठीक है, तो श्याम पंछी है ये, या आपका भाग्य बताएगा ये पंछी। हम पहुंच गए लेटे हुए हनुमान जी के पास और अभी दर्शन करते हैं। लेटे हनुमान जी का नाम बहुत सुना है हमने, चलते हैं अंदर। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन हमने कर लिए, फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं था इसमें, जैसे मैंने वहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं की है। बाहर से आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये। बड़े हनुमान जी भी कहा जाता है इनको। चिड़िया या ये देखो, यही पंछी खाती है। क्या खाती है? यही। ये खाती है? हाँ। 2 पैकेट काफी है ये। अरे दो जाने। कहाँ, नाव पे भी आ जाती है चिड़िया? नहीं भाई, यहाँ बोला वो तो वो आई। वहीं पे। वाह वाह कर दो तो ले। ठीक है, 2 बहुत है अम्मा। अरे दो चाहिए। तो ये चिड़ियाओं के लिए कुछ दाने लिए हैं, अभी नाव में बैठ के खिलाएंगे। चलिए बोट की तरफ उतरते हैं, नीचे उतर रहे हैं अभी नाव में। ये हिलती भी नाव, नाव शिफ्ट कर रहे हैं तो कुछ इसमें ट्रांसफर होना पड़ रहा है मेरे को, बस मैं गिर ना जाऊं इसमें। पकड़ लेता हूं, आ जाओ आ जाओ। अरे भैया आराम से,
स्वागत है आपका, स्वागत है। चलिए यहाँ कुछ जैकेट भी रखी हुई है और जूते उतार देते हैं, ठीक है। प्रयागराज में नाव का आनंद लेते हुए बैठ गए हम नाव में और हमारी नाव निकल पड़ी है यहाँ से। जैकेट भी है यहाँ पे, लाइफ जैकेट है, बहुत सारी जैकेट पहननी है, फौजी लुक आ रही है इनका। ये देखिए भाई मिले हैं हमें, कहाँ से आए भाई लोग आप? दिल्ली से आए हो आप? मार रहे हैं हाथ मिलाओ इसी बात पे। विच प्लेस? बुराड़ी। और आप? करावल नगर से आए? ठीक। तो दोनों भाई अपने दिल्ली के हैं। ये वाली गंगा है या यमुना है? यमुना है ये। आगे संगम पे चलेंगे हम, वहाँ गंगा जी मिल रही है इससे संगम पे। तो तीन नदियाँ मिलती हैं यहाँ, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती कहते हैं जमीन के नीचे है, अंडरग्राउंड मिलती है। भाई उन पक्षियों को दाना खिलाना है, कैसे खिलाना है? कैसे बुलाना है? बुलाना कैसे? आओ। ये हमारे पास देखिए, हमने लिए थे वहाँ से। आओ। आओ। ये सही है, बहुत ट्रेंड है ये पक्षी। आओ राम प्यारी, आओ लो, आओ 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 जी, आओ 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 आओ। ये प्लेटफॉर्म है इनका, इस प्लेटफॉर्म पे नहाना है। देखिए ये यहाँ से यमुना जी आ गई और वो गंगा जी हो गई, तो ये संगम है यमुना और गंगा का। देखिए गंगा का प्रवाह बहुत तेज है, वो देखिए इसके नीचे क्या है, तखत लगा रखे हैं। डुबकी लगाओ, डुबकाओ, गंगा मैया की जय। चलो मजा आ गया, लगाओ डुबकी, गंगा मैया की जय। घर वाले भी देखते हैं। हाँ सब देखते हैं। भर लिया भाई पानी? हाँ ठीक है। चलिए तो भाई ने तो ले लिया गंगा जल, संगम से लेके जा रहे हैं। फाइनली नाव आ गई हमारी, हम पूरा अपना सैर करके आ गए नाव में। अभी इस जैकेट को, लाइफ जैकेट को उतारते हैं। आपने पूछ लिया वही बहुत है हमारे लिए। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग मैहर से हैं, भाई शारदा के धाम से। अच्छा बहुत ज्यादा हो गया। अरे नहीं, दो लोग हैं ना, एक पीस ले लेते हैं इसमें से। दो लोग हैं ना, लीजिए थोड़ा थोड़ा। एक पीस ले लेते हैं बस। ये पकौड़ी लाए हैं ये सर, ये किस चीज की पकौड़ी है? ये मूंग की दाल की है, पकौड़ी। अच्छा चैनल का नाम तो पूछो भाई, क्या है? जल्दी जल्दी में बनाए, थोड़ा सा जल गई होगी, ज्यादा खड़ी हो गई होगी। चलिए सर, हमारी स्कूटी में बैठ के खा रहे थे तो सर ने हमसे ही पूछ लिया आप भी खा लीजिए, अब हम आप स्कूटी में बैठे हैं तो इस बार ने टेस्ट हो गई इनकी पकौड़ी। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा, कोई नहीं जा सकता। माँ गंगे से यही प्रार्थना है कि जितने लोग आते हैं उन सबको संपत्ति सहित शरीर सुख, विद्या और बरनार, धन वैभव यश देह इन्हीं, हरहु क्लेश विकार। यही करे माई, सबका क्लेश और विकार हरण करे और अच्छा सुख समृद्धि दे, निरोगी काया दे, घर में माया दे। प्रयागराज संगम से निकल रहे हैं अब, हम बाहर को निकलते हैं, चलते हैं कहीं और। यहाँ पे एक शक्तिपीठ है आलोपी देवी, तो वो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और वहाँ पे माता सती की जो है उंगली गिरी थी, तो अभी उस शक्तिपीठ पे चल रहे हैं हम, वहाँ दर्शन करेंगे मंदिर पे चल के। भैया आलोपी देवी सीधा चौराहे से सीधा हाथ पे, ठीक है। पहुँच गए आलोपी देवी मंदिर में, मेरे पीछे देख सकते हैं आप आलोपी देवी में अंदर की एंट्री, अंदर चलते हैं। आलोपी माता के दर्शन हो गए, अब चलते हैं यहाँ से। और ये व्लॉग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।